ओके सो प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें, लेक्चर थर्ड में, सो उस पर हमने क्या देखा था, एक स्पेशल केस देखा हुआ था, क्या अगर एक किसी भी ज्योमेट्री पे स्प्लिट हो रहा है तो हमें कैसे विद ड्यू टू दैट ज्योमेट्री वाला पॉइंट जीरो हो जाता है, ये चीज हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद अगर देखें तो वो 2D हो या 3D, वो चीज हमने डिस्कस की। फिर हमने बताया जो उस पर यूज लाइन्स हैं, जरूरी नहीं है कि उन लाइन्स का ऑलवेज जीरो, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि वो सॉल्विंग कैसा हो रहा है उसका। ओके सो उसके बाद फिर हमने दो तीन एग्जांपल्स और सेम सिनेरियो पे देखे, और उसके बाद हमने एक फॉर्मूला देखा एट द एक्सिस ऑफ रिंग। मैंने बताया भी कि यार इस फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ऑल्दो इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं है, आपके HSC बोर्ड में, तो उतना टेंशन नहीं है। सो जस्ट आप फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि कैसे डिराइव हुआ, बहुत ही सिमिलर है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट रिंग, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर मैंने कल नई एक चीज बताई थी, एट द एक्सिस ऑफ पैरेलल वायर्स। एट द एक्सिस ऑफ पैरेलल वायर्स पे हमने डायरेक्शन सीख लिया था कल कि लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं, दोनों लॉजिक हमने डिस्कस कर लिए थे कि मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से जज करना है अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन की करंट है, अगर अपोजिट डायरेक्शन की करंट है तो भी हमने चेक कर लिया था कि किस तरीके से हम लॉजिक लगा सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल था। अगर सेम डायरेक्शन की करंट है, लाइक ये करंट है ये करंट है, तो इसका मतलब सर्कुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे फील करके करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर आंसर कैसे करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन थी, लेट्स से अपोजिट डायरेक्शन थी, तो आप ऐसे पॉइंट पे पूछ रहा है तो इस तरीके से फील करें कि ये जो वायर्स हैं ये एक सर्कल बना रही हैं और ये एक इन या आउट वाली फीलिंग देगा आपको, तो इस तरीके से हम अपोजिट के लिए कर सकते थे और स्ट्रेट के लिए कर सकते थे। आज हमें इसका कैलकुलेशन करना था, मैंने बताया था कि कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो एट द एक्सिस ऑफ पैरेलल वायर्स ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो नंबर 6, एट द एक्सिस ऑफ पैरेलल वायर्स। ओके अभी बताएं, इससे पहले जो भी मैंने अभी तक सिखाया अप टू लेक्चर 3, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो यार, अप टू लेक्चर 3 किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके तो अभी हमें देखना है एट द एक्सिस ऑफ पैरेलल वायर्स, तो ये कुछ ऐसा है कि लेट्स से एक के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ओके, और लेट्स से एक डिफरेंट वायर है उसके वजह से करंट जो है वो आउटवर्ड है, तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ये करंट के बारे में बता रही हैं, ये हमारा बता रहा है कि आई क्या है, आउटवर्ड इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। अभी कुछ लोग को बिल्कुल रिलेट नहीं हो रहा होगा कि ये सब चल क्या रहा है और आपने ड्रॉ क्या किया हुआ है, सो मैं फिर से आप लोग को एक बार टच में लेके आता हूँ, बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये इनफाइनाइट वायर है जो कि इस प्लेन में है, इसे हम टॉप टू बॉटम देखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इसको 3D में देखना चाह रहे हैं। सो इट इज लाइक कि एक इस टाइप में ये जेड एक्सिस है, सो एक वायर जो जेड एक्सिस के पैरेलल रखी है और अंदर जा रही है और हम यहाँ से बेसिकली देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगी, हमें तो सिर्फ एक डॉट दिखेगा जो कि अंदर जा रहा होगा करंट, तो बेसिकली ये दो इनफाइनाइट वायर्स हैं जिन पे करंट इनवर्ड जा रहा है, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख दे रहा हूँ कि बेसिकली ये है क्या, ये एक्चुअली है इनफाइनाइट वायर, तो ये दोनों इनफाइनाइट वायर है और ये हो गया, हमें उसके एक्सिस पे डिस्कस करना है किसी पॉइंट पे। ओके तो ये हमें उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है, देन अच्छा तो लेट्स से मान लेते हैं यार ये हमारा पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पे चाहिए, तो आपको याद है ना कि करंट जा रही है इनटू द प्लेन, करंट ये है, पोजीशन ये है, तो ये हो गई यार पोजीशन आर, तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के दो ही आंसर हो सकते हैं। देखें अगर करंट ये है और पोजीशन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो इसका मतलब करंट अगर परपेंडिकुलर जा रही है और ये पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगी, यहाँ इस डायरेक्शन में कोई होगी, इधर ये करेक्ट है या ये करेक्ट है? तो जल्दी से चेक करके बताओ यार, वन वाला डायरेक्शन करेक्ट है या टू वाला, अगर करंट इनवर्ड है? टू वाला। बाकी बताए सब लोग, सब एग्री करते हैं कि टू करेक्ट होगा? सबको लग रहा है कि टू करेक्ट होगा, एक बार अच्छे से चेक कर लो। नहीं नहीं सर, वन वाला। सर वन वाला हो। सर वन वाला करें। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि वन वाला करेक्ट होगा। यार मैंने बताया कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली फील दो ना, अगर ये इनटू है, देखो यार तुम लोग समझते नहीं यार, ये इनटू द प्लेन है, मुझे यहाँ पर चेक करना है। मैंने बताया कि अगर थंब इनवर्ड है तो सर्किल कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा। इसके डायरेक्शन में थंब रख रहा हूँ, अब सोचो मुझे इस पॉइंट पे चाहिए, तो ये टेंजेंशियल फील देगा ना ऑलवेज। तो किसी भी पॉइंट पे अगर सर्किल की डायरेक्शन चाहिए तो वो टेंजेंशियल फील देगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये, 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो ये है हमारा बी। सबको समझ आ गया यार ये बी? ओके सेम कर लेते हैं, लेट्स से ड्यू टू दिस वायर। अभी जल्दी से बताओ ड्यू टू दिस वायर क्या होगा। पहली बात तो इस वायर के परपेंडिकुलर ही रहेगा। अब कौन से डायरेक्शन में होगा, तो देखो ये है आउट ऑफ द प्लेन। सर्किल कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और हमें अगर टेंजेंट देखनी है किसी पॉइंट पर, यस, तो ये इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट देखनी है तो ये पॉइंट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कुछ ऐसा। तो अभी यार समझ आया सबको कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? तो बेसिकली अगर थोड़ा सा फील करूं तो मैं फिगर बनाता हूं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और सेपरेटली ये भी 90 डिग्री है, बट अपने इसके साथ, इस वाले वेक्टर के साथ ये 90 डिग्री है और इस वाली लाइन के साथ ये वाला 90 डिग्री है। अच्छा अब हमें, आपको रिजल्टेंट तो समझ में आ गया कि क्या करना पड़ेगा, इसका कॉस थीटा और साइन थीटा कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर डॉट लगा दूं तो आप समझ जाएंगे ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अगर मैंने इसे थीटा मान लिया, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। समझ आया सबको? तो बी कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल। सो बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और नेट जो बी होगा, बी नेट, सो बी नेट जो होगा वो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड, अभी एज पर द क्वेश्चन। और जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, बी नेट की वैल्यू, बी नेट कितना हो जाएगा, 2b साइन थीटा। यार ये सबको समझ आ गया ना, पक्का? हाँ सर। ओके गुड, अब हमारा टारगेट है यार बी लिखना और साइन थीटा लिखना। इतना का बन गया तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली एग्जाम में इसकी फॉर्मूले याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये हम एग्जाम में ही तुरंत ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ बी नेट ऑन द स्पॉट कैसे लिखेंगे यार, टू ठीक है। अच्छा बी क्या है, ये ड्यू टू वायर है, इनफाइनाइट वायर। बेटा इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला बताएं, क्लियर है सबको, ये इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला हो गया। अब चाहिए यार बेटा साइन थीटा। सोचो थीटा हमने ये माना है, अब इस थीटा के थ्रू ट्रायंगल में थीटा लिखने का ट्राई करो। कोई मुझे बता सकता है ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो जाएगा अगर ये थीटा है?
चले तो इसका जो थीटा है वो मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। देखो यार, ये कुछ ऐसा सेटअप है कि ये हमारा आर है, आर परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, आर परपेंडिकुलर है ये लाइन, ठीक। अभी सेटअप ये है कि थीटा इसके साथ नहीं है, थीटा बी के साथ है, ये बी है और बी इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, समझ आया, बी इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ये हमने थीटा एज्यूम किया हुआ है, ये आर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये थीटा है और ये वाला हमारा 90 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि यार ये एंगल कितना होगा। ट्राई करें जल्दी से बताएं, पहले हमें चेक करना पड़ेगा, अगर हमें ये थीटा नहीं पता तो फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जल्दी सोचे, सिंपल ज्योमेट्री है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ आ जाएगा। जिसको समझ में आ जाए बता दे यार। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ यार, ये अगर हमने थीटा एज्यूम किया है, समझे, तो ये पूरा है 90, अच्छा ये वाला बॉक्स है 90, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा अब हमें पता है यार कि ये पूरा है 90, ये बी के साथ वाला ये एंगल है 90, जबकि हमें पता है कि ये पूरा एंगल है 90 माइनस थीटा, तो अगर ये पूरा एंगल 90 माइनस थीटा है, मतलब ये कितना बचा, थीटा। समझ आया क्या सबको, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये फिगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। सो ये थीटा हमने अज्यूम किया, हमें पता है कि ये एक मिड लाइन है, तो ये मिड लाइन है, इसका मतलब ये होगा कि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब हमें पता है कि यार ये तो 90 डिग्री ही है ना, अगर ये 90 डिग्री है और इसका इतना एंगल 90 माइनस थीटा आ गया है, तो इतना एंगल कितना होगा, थीटा होगा ना, और यही तो हमें ट्राइंगल में चाहिए था। सबको समझ आ गया, ये फिगर को मैं रहने देता हूँ यहीं पे कि थीटा कैसे हमने डिफाइन किया। फिर इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यार ये एंगल भी थीटा ही है, तो अब जल्दी से साइन थीटा की वैल्यू देख लें, क्लियर। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ यार, साइन थीटा में ये परपेंडिकुलर तो यूज होने ही वाला है, इसका मतलब ये कि लेट से हमें ये गिवेन होगा क्वेश्चन में, वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे ना। सब देख लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डी बाई टू ओवर डायगनल, डायगनल कितना है, आर परपेंडिकुलर, क्लियर। अच्छा तभी सॉल्व कर देते हैं यार, बी नेट देखें क्या होगा, टू एंड टू कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बी एक टू आ जाएगा, सो म्यू नॉट आई बाय टू पाए और आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बट आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, सो एग्जाम में आपको पक्का हाइट भी देगा कि मतलब लेट्स से ऑन द एक्सिस किस डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है। सो लेट्स से थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं कि ऑन द एक्सिस दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना था, तो आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। सो इस टाइप पे लिख सकते हैं, चाहिए तो आप आर परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। मैंने बताया कि इस फॉर्मूले को याद करना बिल्कुल टफ नहीं रहेगा, क्योंकि हम जस्ट आर परपेंडिकुलर के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
वैसे जरूरी नहीं, आप जस्ट ये भी लिख सकते थे बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। अच्छा यहाँ पे डी भी आ गया है, म्यू नॉट आई डी बाई टू पाई आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर मतलब एक्चुअल पोजीशन, उस पॉइंट की पोजीशन। तो चाहिए तो परपेंडिकुलर नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजिंग ना हो जाए कहीं, आप आर परपेंडिकुलर को एक्स नहीं समझ लो, जस्ट आर लिख रहा हूँ, आर इज अ डिस्टेंस, सो आर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया है, आप जस्ट इसको याद कर लें। बोर्ड्स में ये फार्मूला नहीं है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्टली फार्मूले आते हैं, डायरेक्टली इस पे यूज आपको आएगा। तो एग्जाम में इधर आप तुरंत बी टू बी साइन थीटा लिखना जान जाए, या फिर आप याद कर लें कि ये डी पे भी डिपेंड करती है, मतलब ये वायर्स के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी। तो ये एक टाइप से इसका मैं बोल सकता हूँ एक फर्स्ट केस टाइप पे हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट केस क्या, जब हमने करंट अपोजिट रखी है। अब अगर हम सेकंड केस देखें जिसमें हम करंट सेम रख देते हैं तो क्या सिचुएशन होगी। लेट्स से इसमें करंट, अब हम क्या करते हैं करंट वायर को सेम रखते हैं, सेम डायरेक्शन, लेट्स से इनवर्ट रख दिया। तो इनवर्ट रख दिया तो अभी मैं फिगर जल्दी से बना देता हूँ, हमें पता है कि क्या होने वाला है। लेट्स से एक्सिस पे किसी पॉइंट पे यहाँ पे पूछा है, तो लेट्स से इस पॉइंट पे कहीं पे पूछा हुआ है, तो ये हमने ट्रायंगल बना दिया। और हमें पता है कि यार अगर इनटू द प्लेन है सर्किल बनेगा तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखूंगा तो ये टेंजेंट इस तरफ परपेंडिकुलर बनाएगी। अब मुझे लगता है इससे सिंपल वे तो पॉसिबल ही नहीं जो मैं आप लोग को डायरेक्शन के लिए बता रहा। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा दूसरा, इस वाले पॉइंट के लिए तो वे आर इन टू द सर्किल है, सर्किल तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा, बट मुझे इस बार चेक करना है इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंट तो ऐसे दिखेगा ना, सो मुझे चेक करना है इस डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंट दिखेगा इस तरीके का बी। तो मुझे लगता है आपको आइडिया समझ में आ गया कि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो फिर क्या होने वाला है। लेट्स से ये थीटा है, सो अभी जस्ट हमने डिराइव किया कि अगर ये थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा ही होगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या आ जाने वाला है, फिर बी कॉस थीटा दोनों का आ जाने वाला है। तो यहाँ पर कंपोनेंट आ जाएगा क्या, बी कॉस थीटा, टू बी कॉस थीटा आ जाएगा, और दोनों का बी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और बी कॉस थीटा आ जाएगा। ये हमारा आर है, ये हमारा डी है, और लेट्स से आई करंट फ्लो हो रही है। तो यार अभी देखो, अब समझ में आ गया यार, मुझे नहीं लगता बार बार ये जरूरत है, मैं वैसे फिर भी लिखता हूँ बी साइन थीटा, ये क्या हो गया कैंसिल, और बी कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। तो बी नेट में इस बार क्या आने वाला है, टू बी कॉस थीटा, और जल्दी से यार अब लिख देते हैं बी नेट की वैल्यू, ये हो जाएगा टू इंटू बी क्या, एक वायर का होगा म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो क्या था, एज्यूम क्या किया हमने परपेंडिकुलर को, एक्स, परपेंडिकुलर को क्या एज्यूम किया, एक्स। तो देखो यार थोड़ा फर्क आ रहा है, एक्स वेरी कर सकता है, ये हुआ एक्स ओवर आर, एक्स वेरी कर सकता है। सो ये इसका जो बी नेट आ रहा है, अपोजिट वायर का बी नेट जो आ रहा है वो बहुत ही अलग आ रहा है। इसमें अगर हम फोकस करें तो ये आ रहा है म्यू नॉट आई आर आर, सॉरी एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ओवर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, जबकि इस इक्वेशन में क्या आ रहा था, डी आ रहा था। तो डी तो एक टाइप से उनके बीच की डिस्टेंस हो गई जो कि चेंज नहीं होगी, बट एक्स एज पर द क्वेश्चन होगा। क्लियर, इसका मतलब ये है कि जब ये अपोजिट वायर होंगी और मैं किसी डिफरेंट डिस्टेंस पे कंपेयर कराऊंगा तो वो कैंसिल होगा, ऊपर का एक्स सिर्फ क्या आएगा, नीचे वाला पार्ट आएगा, जबकि इसमें
न्यूमरेटर से एक्स भी आएगा और डिनोमिनेटर से आर भी आएगा। तो चाहिए तो बी नेट का आर वाला वर्जन भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स ओवर जस्ट पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने वहां पर लिख दी है। तो बताओ यार, इस डिस्कशन में किसी को कुछ डाउट है तो? हमने ये जो पार्ट सीख लिया है एट द एक्सिस ऑफ पैरेलल वायर्स, इसमें किसी को डाउट है तो बता दो यार। सर वो 90 माइनस थीटा कैसे है, एक बार फिर से बताएंगे। वो 90 माइनस थीटा कैसे है? देखो यार इस फिगर में देखना, पहले रेड वाला थीटा दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब ये ब्लैक वाला, ये सॉरी, ये दोनों रेड वाले वायर दिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर, ये। ठीक है, अब इसमें देखो कि ये अगर थीटा है डन, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा हमने 90 डिग्री डिफाइन किया है ना, समझे? अच्छा, अब ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो मैंने इन दोनों वायर्स में देखा कि अगर ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा है और पूरा 90 है, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितना है? थीटा है। हाँ सर। ठीक है, ओके। तो सर और एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर अगर इन दोनों वायर्स में करंट अलग अलग हो तो बी की वैल्यू अलग अलग आएगी ना? तो अगर आई वन एंड आई टू होगा तो बी वन बी टू होगा, कैंसिल नहीं होगा, प्रॉपर बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। सो ऑफकोर्स देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मतलब नहीं पूछेगा, तब मे बी नेट डायरेक्शन पूछ लेगा, बी नेट का डायरेक्शन, समझ आया? तो जब ये बी वन बी टू कैंसिल नहीं हुआ तो एकदम डाउनवर्ड आएगा क्या? नहीं। मान लो ये वाला बी जीत गया, ज्यादा है, तो इसके तरफ का कंपोनेंट बचेगा, नीचे के तो दोनों रहेंगे ही, मतलब इधर बीच में रहेगा, इस क्वाड्रेंट में रहेगा, समझ आया ना? हाँ सर। ओके चले, तो ये यार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर ये जो सिक्स पार्ट है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। नंबर सेवन पे आते हैं जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो नंबर सेवन है, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, शीट, अच्छा कुछ याद आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट शीट के वजह से कुछ याद आ रहा है? फील्ड कोई फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड यार, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सबको याद आ रहा है कुछ कुछ, कि अगर ये शीट हर तरफ से इनफाइनाइट है, ठीक है, ऑल एक्सेस से, ये ऑल डायरेक्शन एकदम इनफाइनाइट शीट है, तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, पक्का? अच्छा सोचो, मुझे अगर यहाँ पर गेस करना है फॉर्मूला, तो कोई गेस कर सकता है? वहां पर क्या होता था? सिग्मा मतलब होता था क्यू बाई ए, इस एरिया पे चार्ज कितना है, क्लियर, डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। याद है मैंने बताया था कि अगर हमें मैग्नेटिक का चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट का उल्टा होता है म्यू, मतलब फॉर्मूले में आएगा म्यू नॉट सिग्मा बाई टू। ये समझ आया सबको? हाँ, ये सबको समझ आया। अच्छा दिक्कत यार कि यहाँ पे सिग्मा नहीं चलेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ स्टैटिक चार्ज से आएगा क्या? नहीं, मतलब हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए यार, क्लियर। सो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू। अब एक और प्रॉब्लम क्या कि यार ये जो आई है ये डिफाइन कैसे करोगे? एक प्लेट में करंट कितनी जा रही है वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली एक इनफाइनाइट प्लेट में आप करंट डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप क्या लोगे? एक एलिमेंट, क्या कि एक यूनिक थिकनेस में कितनी करंट जा रही है, एज अ वायर ट्रीट करेंगे इस यूनिक थिकनेस को, समझ आया सबको? हाँ सर। तो उसमें क्या होता था, क्यू बाई ए कर देते थे, तो वो एक
आ जाता था कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है एक छोटे से यूनिट एरिया में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक यूनिट लेंथ में कितनी करंट फ्लो हो रही है, समझे? ओके, तो इनफाइनाइट शीट की वजह से देख लेते हैं। इनफाइनाइट शीट की वजह से अब जो लेक्चर अटेंड करते हैं वो देखेंगे कि मैंने फार्मूला कैसे डिराइव किया, कैसे याद रखना है, और जिन्होंने नहीं देखा वो एटलीस्ट ये आंसर तो नोट कर ही लेंगे दैट बी का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट के बाई टू। ठीक है, दिस इज अ कैपिटल के, तो टेंशन नहीं लेना है। इसको हम म्यू नॉट आई डैश भी लिख सकते हैं बाई टू, क्लियर? अच्छा, के या फिर आई डैश आप कुछ भी बोलो, आपका मन है के आई डैश कुछ भी। मैं क्यों इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि के को कहीं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, के को म्यू नॉट बाई फोर पाई लिख देते हैं ना, तो वो कैपिटल के है वो नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेयर के और आई डैश इज करंट चार्ज, सॉरी करंट सरफेस डेंसिटी, सॉरी माय मिस्टेक, सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी। अच्छा, अब डेंसिटी वर्ड से कंफ्यूज नहीं हो जाना है, डेंसिटी मतलब वॉल्यूम का डिवाइड नहीं करना है। मैंने अभी बताया कि बेसिकली ये इनडायरेक्टली है करंट इन अ यूनिट लेंथ, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनडायरेक्टली इसका सिंपल मीनिंग है करंट इन यूनिट लेंथ। अच्छा, क्यों यूनिट लेंथ है जबकि हमने इसे सरफेस यूज किया है? क्योंकि एक एक लेंथ उसकी क्या इनफाइनाइट है ना, सो एक लेंथ ऑलरेडी कंसिडर्ड है कि टिल इनफाइनाइट है, सिर्फ एक पार्ट हमें सॉल्व करना है। सो ये जो आई डैश है इसका मीनिंग सिंपल ये है, इसका मीनिंग है आई डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे होगा। अच्छा, अब आप सोचो सर अगर दोनों तरफ से इनफाइनाइट सीट है तो एल कहाँ से आएगा? तो ये गिवन होता है यार आई डिवाइडेड बाई एल, उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछता है कि अगर शीट कुछ लिमिटेड डिस्टेंस की है, लिमिटेड थिकनेस की है, तो फिर क्या होगा? तो उसे अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। सो करंट इन यूनिट लेंथ ये ऐसे डिफाइन है। अच्छा, अब नंबर टू आती है बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन किस तरीके से देता है? सोचो इस वायर में करंट जा रही है ऊपर की तरफ, सॉरी इस शीट में करंट जा रही है इस तरफ, तो हम इसको 2D में कैसे बनाएंगे? तो 2D में इनफाइनाइट शीट को अगर आपको बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं यार, ये इनफाइनाइट शीट है, इन एंड आउट भी इनफाइनाइट है और लेफ्ट एंड राइट भी इनफाइनाइट है। अभी खास बात क्या है कि इसमें जो करंट है वो कहाँ जा रही है? इन टू द प्लेन जा रही है। सो इन टू द प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्रॉस में। सो एक इनफाइनाइट शीट को मैं मान सकता हूँ कि इनफाइनाइट वायर्स का कॉम्बिनेशन है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ करंट इनवर्ड, करंट कैसी है? इनवर्ड। तो समझ आया कि इस तरीके से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो आई डैश क्वेश्चन में गिवन होता है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना होता है। अच्छा, अब बात आती है डायरेक्शन कैसे होगी, तो डायरेक्शन देख लेते हैं। सपोज मैंने आपको इस पॉइंट पे पूछा करंट इनवर्ड है, बताओ यार मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी वन, इस तरफ होगी टू, इस तरफ होगी थ्री, इन टू द प्लेन होगी फोर। जल्दी से गेस करके बताएं। टू की तरफ यार सबको समझ आया टू की तरफ? कितना सिंपल तरीका बताया, देखो करंट है डाउनवर्ड, मतलब थंब रखो डाउनवर्ड, अब बना दो सर्किल। समझ आया यार? फिर से मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन फाइंड करने का इजीएस्ट मैनर बता रहा हूँ, कोई नहीं इस तरीके से बताने वाला आपको, किसी बुक में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा, बट मैं बता रहा हूँ हर जगह ये काम आएगा। करंट है इनवर्ड, मैंने थंब रखा इनवर्ड राइट हैंड और सर्किल घुमा दिया फिंगर्स को, तो कर्ल किस डायरेक्शन में होगा अगर थंब इनवर्ड है? ये सो कहीं पे भी हमें चाहिए ड्यू टू दिस वायर
हमें इस पॉइंट पे चाहिए सर्किल बनाओ और यहाँ पर टेंजेंट बना दो। सो इसका मतलब आप समझ गए कि आंसर क्या करेक्ट है, टू। तो यहाँ पर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है टू की तरफ। अच्छा प्रॉब्लम ये, अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछूं तब क्या बताओगे सर? या हाँ सर, डायग्रामेटिक बताएंगे फिर से क्या? ड्यू टू एम्पायर शीट का डायग्रामेटिक इंफॉर्मेशन है। ओके ओके ओके, देखिए जो मैं पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, दो रूल हैं जो सबसे ज्यादा काम आने वाले, वन एंड टू, ये बिल्कुल लर्न करो। आई वर्सेस एक्स बी स्विच कर सकते हैं हमेशा। सपोज करंट इनवर्ड है, सर्किल बना दो, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब राइट हैंड रूल यूज करना है। राइट हैंड रूल क्या होता है, थंब रखो इसकी डायरेक्शन में, सपोज थंब आपका अपवर्ड है, ओके, और फिंगर्स को कर्ल करने का ट्राई करो। तो अगर आप थंब अपवर्ड रख के फिंगर्स कर्ल करोगे तो यू विल सी कि फिंगर्स आपके इस पॉइंट पे इनटू द प्लेन जा रहे हैं और इस पॉइंट से बाहर आ रही हैं। अगर आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखे राइट हैंड को, तो आपकी फिंगर इस तरफ पेनेट्रेट होंगी, इनटू द प्लेन जाएंगी, और जब आप फिंगर्स को इस तरफ लाओगे तब आउट ऑफ द प्लेन आएंगी। तो यही चीज हमने यहाँ पर देखी कि हमने थंब रखा करंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ घूम रही है, फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही हैं, क्लॉकवाइज। समझ आया क्या आपको? हाँ सर। अच्छा नंबर टू, अगर करंट आउटवर्ड आ रही है तो थंब आउटवर्ड है, सर्किल कैसे घूमेगा, फिंगर्स कैसे कर लोगी, एंटी क्लॉकवाइज। यस, और यही रहेगा। अब पॉइंट है कि मुझे सपोज इस पॉइंट पे चाहिए, तो नेचर एंटी क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पर तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना चेक करने के लिए डायरेक्शन। सर्किल में कभी भी डायरेक्शन देखनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ आया? हाँ सर। ओके गुड। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं सर्किल ड्रॉ करूंगा तो इनटू द प्लेन है, मतलब सर्किल कैसा होगा, इस तरफ, इधर किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि सर्किल इस टाइप का है। अभी पॉइंट ये है कि ये इनफाइनाइट है, मतलब कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो सर्किल यही रहेगा। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ड्यू टू इनफाइनाइट शीट मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। ये आपको हम समझाना चाह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। देखो कहीं एक्स है क्या, कहीं ये पॉइंट है कि कितनी दूर है, नहीं। तो ये चीज थोड़ी याद रखनी है, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट शीट बी इज कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म आई कैसे, ये सबको याद रखना चाहिए। तो बताओ यार, इनफाइनाइट शीट का सबको याद हो गया? हाँ सर। ओके गुड यार। तो फॉर्मूला याद रखना यार, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब मैं थोड़ा सा स्टार मार्क करके एक और बात बता देता हूँ, लेट से फिनाइट शीट बता देते हैं। फिनाइट शीट ऑल्दो ये एग्जाम में ज्यादा काम नहीं आएगी, जेई वालों के लिए ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है, नीट में तो बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी फिनाइट शीट, सिर्फ इनफाइनाइट शीट ही है। फिनाइट शीट बहुत कम ही पूछी जाएगी। देखिए फिनाइट शीट का मतलब क्या है कि अभी लेंथ डिफाइन है, तो इसका मतलब होगा कि लेट से ये विड्थ फिक्स है W, ठीक है, लेट से हमने विड्थ फिक्स कर दिया W और उससे हमें x डिस्टेंस पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट जा रही है, लेट से इनटू जा रही है, ओके, तो इसका आई डैश गिवन होगा आपको, आई डैश मतलब करंट पर यूनिट विड्थ, ये ध्यान देना है थोड़ा। ये अगर दी होगी तो बी का डायरेक्टली फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश
by pi into tan inverse w by x. तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा फिनाइट शीट के लिए. अच्छा, फिनाइट शीट के लिए मतलब कैसे, देखो अगर ये इनफाइनाइट शीट है, सोचो इनफाइनाइट शीट है तो W क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. अच्छा अब टेन में बताओ इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होगी, 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू की. सो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इनफाइनाइट के लिए, म्यू नॉट आई डैश बाई टू. ठीक है, तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो मैंने फिनाइट शीट का बताया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और बोर्ड्स में भी ये नहीं है. ठीक है, बोर्ड्स में आपके ये वाला है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा बोर्ड्स में आपका कौन सा लेटर यूज किया हुआ है, बट ये वाला नहीं है, फिनाइट शीट का नहीं है. ठीक है, हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर. तो एक नया पॉइंट क्लियर हुआ है, या पूछिए सर, इस आई डैश और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले जे में कोई रिलेशन है क्या? हाँ, जे जो है वो पर यूनिट एरिया है, ठीक है, और हाँ. ये पर यूनिट लेंथ है. सो बेसिकली जे क्या है, जे उस मटेरियल के इंटरनल पार्ट का है, कि लेट्स से ये एक मटेरियल है तो इसमें पर यूनिट एरिया में कितनी करंट जा रही है उसको जे बोलते हैं. ठीक, ये पर यूनिट एरिया के बारे में बात ही नहीं है, ये ऐसा कुछ है कि सोचो एक ये डेप्थ में जा रही है, एक प्लेट है, तो एक प्लेट में जब करंट फ्लो होती है तो बहुत सारी करंट फ्लो होती है. आप उसके एक सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि लेट्स से, एक मिनट मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ. ये 20 सेंटीमीटर का प्लेट है और आपको पता है कि इस पूरी प्लेट में करंट कितनी जा रही है, लेट्स से 20 एम्पियर या लेट्स से 5 एम्पियर पूरा इन टू द प्लेन जा रही है करंट. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 1 सेंटीमीटर में कितनी जा रही होगी, तो आप बोल सकते हो 5/20, 1/4 एम्पियर जा रही होगी इसके ईच सेंटीमीटर में. सोचो अब ये 20 सेंटीमीटर की जगह इनफाइनाइट हो जाए, तब भी आपको ये तो पता होगा ना कि इसके ईच सेंटीमीटर वाले बॉक्स में, वायर में अंदर की तरफ कितनी करंट फ्लो हो रही है, 1/4 एम्पियर. समझ आया? हाँ सर. कि सिनेरियो क्या चल रहा है, सिनेरियो ये है कि हमने एक डेफिनेट वाली प्लेट लेके चेक किया कि उसके एक एलिमेंट में कितनी करंट जा रही है, और उसी प्लेट को कितना भी बढ़ा दें बट वो करंट पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होगी. तो उस टाइप में करंट पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है आपको. ओके, ये नंबर है 7. नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 8. डरना नहीं है, 9 ही होते हैं. तो नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये हो गया एकदम 5 स्टार. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों यार, इजी भी है और पूछा भी बहुत जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है. एट द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड, ठीक है, सो एट द एक्सिस ऑफ अ सोलेनोइड. सोलेनोइड आपने क्लास 10th में देखा होगा, हमें पता है सोलेनोइड क्या होता है, एक स्प्रिंग टाइप का क्वाइल होता है. ठीक है, सोलेनोइड मतलब क्या है, सिंपल एक स्प्रिंग टाइप का क्वाइल है. सो इस टाइप में उसकी क्वाइल्स रैप्ड है, ये एक सोलेनोइड है, बेसिकली एक स्प्रिंग ही टाइप ही है, बिल्कुल एक स्प्रिंग ही है, बस एक कंडक्टिंग वायर का है. स्प्रिंग में आयरन होता है, आयरन इतना कंडक्टिंग नहीं है, किसी अच्छे कंडक्टिंग वायर का है. समझ आया सबको सोलेनोइड? ओके, अच्छा लेट्स से सोलेनोइड में दो तरीके हो सकते हैं डायरेक्शन चेक करने के. करंट अगर मैं यहां से फ्लो करा रहा हूं तो देखना, सोलेनोइड के दो स्ट्रक्चर टाइप हो सकते हैं, आप फील करिएगा. एक इस टाइप का सोलेनोइड हो सकता है, इसमें क्या हो रही होगी, अगर हम राइट साइड से देखें, अगर हम राइट साइड से देखें तो बताओ करंट क्लॉकवाइज दिखेगी या एंटी क्लॉकवाइज?
क्लॉकवाइज। समझ आया सबको? करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, वेरी गुड। अच्छा, अभी जरूरी थोड़ा ना कि मैं ऐसे ही सोलेनोइड बनाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि करंट हम यहीं से फ्लो करा रहे हैं बट सोलेनोइड ऐसे है। समझ आया? तो करंट कैसे हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। भाई सबको दिख रहा है ना? समझ आया ना? सो इसमें अब करंट इस तरह फ्लो होगी और एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो ये अगर हमारा राइट साइड है व्यू पॉइंट, तो हमें करंट कैसे दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। अच्छा यार, अब आपको पता है कि करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो जरा मैग्नेटिक फील्ड बताओ कैसी होनी चाहिए। इनटू द प्लेन, नंबर वन में बताओ। इनटू द प्लेन नहीं है, अभी ऐसे सर्कल्स बने हुए हैं, इन सर्कल्स के लिए बताओ ना। इन सर्कल के लिए कैसी दिखेगी? ये सर्कल ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एक चीज याद रखो, या जब मैं ऐसा सर्कल बनाऊ मतलब ये प्लेन में है, और जब ऐसा बना रहे हैं मतलब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मैं कई बार बता चुका हूँ आपको ये। तो अभी मुझे पता है सर्कल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में रहेगी। तो बताओ लेफ्ट होगी या राइट होगी पहले फिगर में? राइट। राइट। सबको समझ आया कि हमने राइट हैंड रूल लगाया है? यार ये कब से बता रहे हैं? सर्कल देखो, अगर क्लॉकवाइज है मतलब कहाँ होगी? इनटू द प्लेन। हम कहाँ से देख रहे हैं क्लॉकवाइज? राइट साइड से। सो राइट के लिए इनटू द प्लेन क्या होगा? समझ आया क्या? ठीक है, इस फिगर में देख के बताओ। पक्का डायरेक्शन सबको समझ में आ गई? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है और अमाउंट की। मुझे लगता है डायरेक्शन में किसी को कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट की बातें कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, अगर हम क्या माने, एक आइडियल सोलेनॉइड लें, ओके, आइडियल सोलेनॉइड कहने का मतलब क्या होता है? जैसे ही मैं आइडियल सोलेनॉइड बोलूं, तो आपको समझ जाना है कि आइडियल सोलेनॉइड का मतलब है हमारा वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, सो वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। अच्छा, वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये है, आप समझो थोड़ा सा। एक तो चीज है, सपोज ये एक सिलेंडर है, ठीक है, अब इससे मैं इतना लंबा कर दूं, सॉरी, इसे मैं इतना लेंथवाइज कर दूं, तो ठीक है, ये वेरी लॉन्ग हो गया। इंस्टेड अगर मैं इसे इतना ही रखूं बट इसका रेडियस बहुत छोटा कर दूं, सो रिलेटिवली ये लॉन्ग ही कंसिडर किया जाएगा ना। लेंथ नहीं बढ़ी है बट इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में ये लंबा ही होगा बहुत ज्यादा। सो बेसिकली कभी अगर वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये है कि उसका लेंथ इनफाइनाइट है, नंबर वन। और दूसरी कंडीशन है, इधर आप कह सकते हो लेंथ इनफाइनाइट है, और आप ये बोल सकते हो कि लेंथ रेडियस के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा आइडियल सोलेनॉइड के कहने का मतलब है कि इधर लेंथ इनफाइनाइट होगी या वो रेडियस के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यार सपोज ये एक सोलेनॉइड है, अच्छा अभी पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पर ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ ये फिगर फिर से। ये फिगर मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि अगर मैं इसका कंपैरिजन एक्सिस बनाऊ आपके लिए, यार मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा एज पर द लेंथ। ठीक है, तो अगर लेंथ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तो थ्रू आउट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? फिक्स रहता है। मतलब मैं आपसे यहां पर पूछूं, सब पर आंसर क्या आएगा? सेम आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। बट ये जो एंड होता है, मतलब जैसे ही सोलेनॉइड से बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज।
ठीक है, जैसे ही वो बाहर आने का ट्राई होता है बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है। ड्रास्टिक चेंज का मतलब ये है, समझाना ये चाहते हैं कि ये जो एग्जैक्टली एज है वहां पे वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, इतना तेजी से कम होता है वो। तो इसका मतलब ये है कि इनसाइड द सोलेनोइड अगर हम पूछें, ठीक है, सो फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है, बी इनसाइड सोलेनोइड, बी इनसाइड मींस बी सेंटर, और वो होगा एकदम मैक्सिमम। सो उसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब मैं बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला फाइव स्टार कैटेगरी है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये फॉर्मूले। सोलेनोइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, बाकी सारी चीजें आपको पता है, आई भी पता है, म्यू भी पता है, काम की बात यहां पर सिर्फ क्या है, वेयर वेयर ये जो हमारा एन है, एन बहुत ही स्पेशल चीज है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इनफाइनाइट सोलेनोइड या बहुत लॉन्ग सोलेनोइड लोगे तो आप नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बताओगे ना, क्या बताओगे कि इसके एक लिमिटेड लेंथ में कितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। सो स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं एक्चुअली कैप्टन एल बाई एल, ठीक है, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम में, स्मॉल एन ही यूजुअली दिया होता है, बट फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ये पॉइंट रख सकते हैं, ये कैपिटल एन है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स, और ये है लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। तो ये हो जाता है हमारा बी इनसाइड और बी सेंटर पे। तो ये बेसिकली हमारा बी क्या है, सेंटर पे है, बी मैक्स है। ओके, फिर मैंने क्या बताया कि जैसे ही एज पे आते हैं, क्लियर, मतलब एंड पॉइंट पे आते हैं, तुरंत क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको, एज आई मीन एंड, एंड पॉइंट पे जो होता है वो हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो फॉर्मूले बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, लेकिन यार पूछा बहुत जाता है, बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी है भाई, ठीक है। चले यार अब देखो, बताओ किसी को कुछ डाउट है दोनों फॉर्मूले याद करने में तो बताएं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई बाई टू एंड पे, और ये सेंटर पे, इनसाइड कहीं पे भी हो यूनिफॉर्म होती है। क्लियर? सर आपने वो आइडियल सोलेनोइड एक्सटेंड करने के पहले मतलब दो सोलेनोइड्स बताई थी ना, डायरेक्शंस फिर से एक बार समझाएंगे। देखिए मैं व्यू पॉइंट रख रहा हूँ राइट साइड पे, सो आप भी फिगर में राइट साइड से देखें, अगर फिगर ऐसे बना हुआ है मतलब करंट कैसे जा रही है, इस तरफ से जा रही है फिर इस वायर में ऐसे जा रही है, क्या बोलेंगे ऐसे करंट को, क्लॉकवाइज। अच्छा अब याद है ना यार, क्लॉकवाइज अगर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये क्लॉकवाइज लूप है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इनटू द प्लेन होगी ना, बट ये वायर ऑलरेडी ऐसे प्लेन में नहीं रखी, ऐसे परपेंडिकुलर रखी है प्लेन के, तो प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब ये वायर ऐसे रखी है, तो इसके सेंटर में अगर हमें इनटू जाना है मतलब कैसा, इस टाइप में जाएंगे ना, समझ आया? हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पर होगी इनटू, और इसमें अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज तो इसमें आउट आएगी, किस व्यू पॉइंट से, राइट साइड, अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो उल्टा दिखेगा, तो इसलिए हम यूजुअली राइट जो व्यू पॉइंट अपना राइट साइड रख के ही बताते हैं।
डन? हाँ सर। ओके, ये दोनों फॉर्मूले याद रखो यार, सब सब लोग ये फॉर्मूले तुरंत एकदम माइंड में रखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह क्यों आती है सोलेनॉइड की, वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाने का ट्राई करते हैं। ओके, क्यों मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप की आती है सोलेनॉइड में? देखें, सपोज मैं एक रिंग की बात कर रहा हूँ, आप बताओ इस रिंग की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी अगर इस रिंग में मैंने लेट्स से क्लॉकवाइज करंट दी है, बताएं किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट, क्लियर? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड याद है ना, हमेशा क्लोज लाइन बनाती है, मतलब यहां से इंटर हो रही होगी, तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहां से ऐसे जा रही होगी और यहां से ऐसे आ रही होगी, इसका मतलब यहां से ऐसे जा रही होगी और यहां से वापस आ रही होगी, और एट द एंड इवन देखें तो ऐसे क्लोज लूप्स बना रही होगी। सबको याद है, बताया था मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप्स बनाएगी, सो इसका मतलब कुछ ये एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब सोचो एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड है ये, डन? समझिएगा, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, ये एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पर ड्रॉ की और करंट ऐसे है। अच्छा, लेट से मैं इसके बगल में एक और रिंग रख देता हूँ, और अब बताओ अगर ये सोलेनॉइड टाइप की रिंग होती तो दूसरी रिंग में करंट कैसी फील होगी? ये ऐसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज ट्राई कर रही है, अब दूसरी रिंग में भी इस तरीके से बना होता है कि वो कैसी फील देगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब जितनी भी रिंग्स बनी होंगी, स्प्रिंग डिजाइन ही इस तरीके से होती है कि सारे रिंग्स में कैसी करंट जाने वाली है, अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज गई मतलब सब में एंटी क्लॉकवाइज। सबको समझ आई है? अच्छा, मतलब इसमें भी करंट कैसे जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है? अच्छा, तो यार आप सोचो कि अगर आपने यहां पर भी देखा तो यहां पर भी फील्ड कैसे है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, डन? अच्छा, लेकिन आपको इसमें क्या होगा वो थोड़ा सा देखना है, यहां पर क्या होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, सबको समझ आया ये मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, अब फील करना है यार, अब फील करना है आपको कि इन दोनों को क्लोज लेके आए, ठीक है? सो व्हाइल ब्रिंगिंग देम क्लोज, बताओ क्या सिचुएशन होगी अगर मैं इनको पास लेके आने लगूं? सो अगर इन दोनों को पास लेके आने का ट्राई करूं तो आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन होने वाली है? दो रिंग्स को एकदम क्लोज ले आऊंगा अगर, तो देखो यहां वाले तो सारे ऐड होते जाएंगे, आप देख रहे हो ना वेक्टर कैसा बन रहा है, एक सर्किल ऐसा है और एक सर्किल ऐसा है, ठीक है? एक मैसेज आ रही है और एक में करंट ऐसे जा रही है, समझ आया? क्लियर? सॉरी, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रही है ये, और एक में ऐसे जा रही है, तो इनका नेट इफेक्ट कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। क्लियर? हाँ। तो हाँ। इसका मतलब जो रिंग अंदर है उन सब का इफेक्ट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में आने वाला है, लेकिन जो रिंग बाहर पहुंच गई है मतलब एकदम यहाँ पर, वो ये वाला पॉइंट काउंटर करेगा, तो इसमें ये वाला पॉइंट अंदर आ रहा है और ये वाला पॉइंट जस्ट ऊपर जा रहा है बिल्कुल सिमिलर वे में, तो आउटर में जाके दोनों क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अब मैं ये एक्सप्लेनेशन ऐसे लिख नहीं सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि अगर उनको क्लोज लेके आएंगे, अगर उनको क्लोज लेके आएंगे तो सबका क्या होगा, यहाँ पर समेशन आएगा, यहाँ पर सब सपोर्ट करेंगे बी का, और जो आउटर वाली होगी बी, यहाँ की बी, वो कैंसिल हो जाने वाली है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर देखूंगा तो देखिएगा कैसे दिखेगी। अगर मैं सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, मुझे करंट नहीं पता तो मैं कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लूंगा, सो अंदर पूरी यूनिफॉर्म रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बाहर थोड़ी सी स्प्रेड होगी, अमाउंट, लेकिन डेंसिटी क्या हो जाएगी, एकदम हाफ हो जाएगी, सॉरी माय मिस्टेक, एरो ऐसे नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर से निकल गई है तो यहां पे इंटर करेगी। अच्छा, और ये कुछ इस तरीके से होती है कि इसकी जो लास्ट एकदम लास्ट वायर होगी वो ऑलमोस्ट एकदम इस तरीके से रहेगा, एकदम लास्ट एंड वाली वायर, ठीक है। इसका मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये जो सोलेनोइड का एरिया है इसमें तीन चीजें आने वाली हैं। देखिए, तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर ये एज और पॉइंट ये, ठीक है। तो काम के बाद देखो, ये जो भी आउटसाइड है यहां पे तो सब कैंसिल आउट हो गया है ना, सो आउटसाइड जो होती है नियरली जीरो होती है, नियरली जीरो। सेंटर पे यूनिफॉर्म होती है। बी इनसाइड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ओके। और फॉर्मूला हमें पता ही है, और एज पर क्या हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है। तो ये सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक क्लोज क्वाइल बना दो, एकदम क्लोज क्वाइल, और उसमें करंट फ्लो करा दो, तो आप सोचो कि आप यहां पर मैग्नेट रखो और वो अट्रैक्ट हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नियरली मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। सो ये इस पर्पज से बनाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहां पर रहे, इनसाइड, बाहर नहीं रहे। समझ आया सबको क्यों सोलेनोइड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इंडस्ट्रियल है, ये इंडस्ट्रीज में इसी को यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। आपने क्लास 10th में ये चीज पढ़ी होगी, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो याद है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है, ऐसे ही क्वाइल के अंदर क्या रख देते हैं, एक आयरन का मटेरियल रख देते हैं, क्लियर। तो आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, अंदर सब जगह क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो एकदम मैग्नेटिज्म यूनिफॉर्मली क्रिएट हो जाता है। डन, सबको डायरेक्शन समझ आ गया ना, ओके गुड। तो यार अभी तो हमने इनफाइनाइट वाला सोलेनोइड पढ़ा है, लेट से फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही स्ट्रेट है, ऐसा कुछ उसमें खास बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रेट है फाइनाइट लेंथ। या बताएं, यस हाँ सर, सेंटर का वो कैसा होता है, सेंटर को मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बताएं, ये मैंने बताया कि देखो सबका बी जो होगा यहाँ पर सबका बी ऐड होने वाला है, ठीक है। तो सबका मैग्नेटिक फील्ड जो ऐड होता है वो यूनिफॉर्मली आता है, ठीक। तो ये जो सेंटर पर आएगा ये पूरे उसमें यूनिफॉर्म आएगा, इनसाइड जो होगा पूरा यूनिफॉर्म रहेगा। तो चाहे सेंटर पे पूछे चाहे थोड़ी दूर पूछे, हर जगह पर वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। चाहिए तो मैं इस लाइन को लिख देता हूँ, एट एनी पॉइंट, पॉइंट इनसाइड, ब्रैकेट में लिख लेता हूं सारे पॉइंट, मतलब एक चीज छोड़ देना, एक्सेप्ट द एज, ओके। सो एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इज सेम, इज यूनिफॉर्म, ओके। हाँ सर,
या ओके नेक्स्ट फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड अगर देखें या वो सोलेनोइड में अगर जस्ट एंड पे भी अगर पूछे तो हाफ होगा या यूनिफॉर्म ही होगा हाफ होगा जस्ट एंड के लिए ही तो स्पेसिफिक बताया है जस्ट एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट ये होगा बी इनसाइड बाय टू जैसे ही एंड पॉइंट पे देखे मैग्नेटिक फील्ड पूरी स्प्रेड हो जाती है सो वहां पर जो डेंसिटी बचती है वो एकदम हाफ होती है इंटेंसिटी ठीक है हाँ सर ओके ओके फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड अच्छा फाइनाइट लेंथ से ऐसे मत कंफ्यूज होना कि लेंथ दिया हो जरूरी नहीं है हम जो फॉर्मूला याद करेंगे वो लेंथ वाइज याद नहीं करेंगे एंगल वाइज याद करेंगे सो लेट्स से इस सोलेनोइड का लेंथ फिक्स है और अब अगर लेंथ फिक्स है तो आप समझ गए होंगे कि डिफरेंट पॉइंट पर बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है तो किसी भी पॉइंट पर पूछे लेट्स से इस वाले पॉइंट पे पूछा है ठीक लेट्स से ये पॉइंट है पी तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि डिफरेंट एंड का एंगल कितना बन रहा है मतलब ये वाले एंड का एंगल कितना है मान लेते हैं ये कितना है थीटा वन डन मान लेते हैं ये एंगल है थीटा वन और दूसरे एंड का एंगल कितना होगा तो दूसरा एंड मान लेते हैं ये और एंगल यहां से ही लेंगे क्लियर तो सबको ये दो पॉइंट समझ में आए थीटा वन और इसको ले लेते हैं नेम थीटा टू ओके ये थोड़ा सा विजिबल कम है ये कर देते हैं ओके सबको समझ आया थीटा वन थीटा टू कैसे लेने हैं थीटा वन स्टार्ट वाले पॉइंट का और थीटा टू एंड वाले पॉइंट का किसी पॉइंट पी पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाय टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू क्लियर हाँ ओके अब इसमें चेक कर लो फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड क्या होगा फॉर इनफाइनाइट सोलेनोइड थीटा वन थीटा टू क्या होंगे इनफाइनाइट के लिए जीरो नाइंटी अगर ये इनफाइनाइट है तो पहला वाला कितना होगा जीरो जीरो होगा भाई क्योंकि जितना दूर जाओगे तो वो एकदम फ्लैट होता जाएगा ना मतलब जीरो और थीटा टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री गुड तो इसका मतलब हो जाएगा आप समझ गए cos 0 और cos 180 हो जाता है माइनस वन सो माइनस माइनस प्लस वन वैल्यू आप निकाल लेंगे सो मैं यहाँ पे चाहिए तो लिख देता हूँ इतना कुछ जरूरत नहीं है cos थीटा वन इसका मतलब कितना हो जाएगा वन एंड cos थीटा टू कितना हो जाएगा माइनस वन दोनों को सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाता है म्यू नॉट आई बाय एन आई बाय टू एन को टेंशन नहीं देना यार एन को बहुत ही क्लियर रखना है इस एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ओके ठीक है सो ये सबको समझ आ गया यार पक्का हाँ ओके गुड सो कितने नंबर हो गए आई गेस 8 हो गए ना ओके लास्ट वाला यार ऐसा कुछ अलग से नहीं है बट फिर भी मैं अलग से दे देता हूँ क्योंकि नेम थोड़ा सा अलग है बाकी है वही चीज सो ड्यू टू टोराइड देखें टोराइड क्या है टोराइड एयर सोलेनोइड का ही भाई है ठीक है नेम से भी लग रहा है और अभी स्ट्रक्चर से भी लगेगा कि सोलेनोइड का ही भाई है ये क्या है सोलेनोइड और अगर मैं इसको घुमा के सर्किल बना दूं मतलब थोड़ा सा
मुझे लगता है आप लोग समझ गए। ये हमने सोलेनोइड को स्ट्रक्चर को बस ऐसे रोटेट कर दिया है, एक सर्किल के शेप को दे दिया है, इसको हम बोलते हैं टॉरॉइड। ठीक है, तो डिजाइन पे नहीं जाना, डिजाइन थोड़ा सा कम अच्छा बना है चलेगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, टॉरॉइड। सबको क्लियर समझ आया यार? हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब याद है मैंने बताया था क्या, सोलेनोइड के आउटसाइड तो क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो बी क्या होगा, जीरो। अंदर देखूंगा तो बी जीरो। सिर्फ किसके अंदर पे रहने वाली है बी, यहाँ पे बी रहेगी। क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला सबको पता ही होगा, क्या फॉर्मूला इसका मतलब यूज होगा, बी इज इक्वल टू, ये यूज होगा क्या? अरे भाई, टॉरॉइड के लिए ये फॉर्मूला होगा या नहीं? इतनी जल्दी भूल गए यार, सोलेनोइड के अंदर क्या होता है फॉर्मूला? सिर्फ ये होता है यार, सिर्फ ये होता है। टू कहाँ होता है? टू एज के लिए, एंड पॉइंट के लिए। इसमें एंड पॉइंट की बात ही नहीं आती है, दोनों को क्लोज ले आते हैं ना। समझ आया? हाँ। तो, अच्छा ये एन क्या है, अब ये समझना पड़ेगा। या टोरॉइड तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना, हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि टोरॉइड इनफाइनाइट नहीं होगा, तो इसकी तो कुछ रेडियस होगी ना, तो ये फिक्स चीज है। इसका मतलब अगर आपको एन चाहिए तो आप उसे लिख सकते हो नंबर ऑफ कॉइल्स अपॉन 2πr। समझ आया सबको? बेसिकली टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन, सो यूजुअली नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन, सॉरी, यूजुअली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स व्हिच मींस एन इज गिवन। तो इसका मतलब फॉर्मूला वही है, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला बी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन आई, बट एन को हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय 2πr। क्लियर? कोई टेंशन क्या किसी को? नहीं सर। ओके गुड, तो मैंने टॉरॉइड इसलिए लिख दिया है यार क्योंकि थोड़ा सा कभी नेम पूछ लेता है डिफरेंट, तो आप टेंशन में नहीं आ जाओ कि यार ये क्या नई चीज है, कुछ नहीं है, सोलेनोइड है, उसी का रिलेटिव है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। सो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इनसाइड दिस कॉइल रहेगी और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला रहेगा वो ये वाला रहेगा। ओके, तो यार यहां से हमारे जो स्ट्रक्चर थे जिनके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी थी वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो यार ये जो मैग्नेटिज्म है ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक से एकदम मिलता जुलता है। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था ई, उसके बाद पढ़ा था फोर्स, याद है? ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हम पढ़ रहे हैं बी ड्यू टू करंट। सो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब फिर क्या पढ़ेंगे, फोर्स, यार मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगने वाला है। जैसे इसमें था एक क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो कितना फोर्स आएगा, वैसे ही अब क्या पढ़ेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो कितना फोर्स आएगा। क्लियर है? गुड, तो फोर्स पढ़ेंगे। बट यार फोर्स तो हमारा एक अलग ही चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है। पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स और दूसरा चैप्टर है फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट में अभी कुछ और बाकी है। तो अगर आपको याद हो इस चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी, गॉस लॉ, याद है? अच्छा, कोई गॉस लॉ का फुल वर्जन बता सकता है, फुल फॉर्मूला गॉस लॉ का?
integration of E into dA is equals to Q upon epsilon naught. Very good यार, very good. So ये था यार हमारा. तो यहाँ पे भी आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि यार बोर्ड्स में आप लोग के ये E find करना है, याद है? Find E using Gauss. Done. अच्छा तो हम फाइंड करते थे, मैंने बताया था कि कैसे इंटीग्रल चूज करना है, कैसे चीजें लेनी है, और उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था कि कैसे कर सकते हैं. ये सबको याद आ रहा है कि गॉस लॉ हमने पढ़ा था जिसमें ये पैटर्न था और हमने बोर्ड्स के लिए भी देखा था, फाइंड ई यूजिंग गॉस. क्लियर है? हाँ सर. ओके गुड. अब यहाँ पर भी क्या है, हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं अभी. अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी यूजिंग सम लॉ भी यहाँ पर होना चाहिए, गॉस टाइप का एक लॉ है यहाँ पर भी, उसका यूज करके हमें पढ़ना पड़ेगा. क्लियर? एंड दैट लॉ इज नेम्ड एज एम्पियर्स लॉ. सो वो जो आपका करंट वाला एम्पियर है ना, उसने बहुत ही बड़ी बातें बताई हैं. ऐसा नहीं है कि करंट का यूनिट उसके नेम पर है. सो बहुत सारे रिसर्च हैं एम्पियर्स के. सो ये बहुत ही फेमस है एम्पियर लॉ. डन. अच्छा अब याद है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, तो यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. इंटीग्रल डॉट डी ए इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पे क्यू की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट इनटू आई. म्यू नॉट. ये कंफर्म है ना, म्यू नॉट डिवाइड नहीं होगा. अगर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड है तो म्यू नॉट इनटू में होगा. अच्छा प्रॉब्लम ये है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो ऐसे एरिया वाइज एक्सपेंड हो रही थी. क्लियर? अच्छा हाँ. लेकिन यार अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो एरिया वाइज एक्सपेंड होती है या रिंग्स वाइज? अगर एक चार्ज है तो स्फीयर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर एक वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी? एक सर्कुलर लूप. तो यहां पर डीए होगा क्या? नहीं, इसके जगह क्या आएगा? डीएल आएगा, लेंथ आएगा. सबको समझ आया? तो इसका मतलब हम एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई. अभी मैं सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ मैं अभी रिलेट कर रहा हूं कि कैसे गॉस लॉ से रिलेटेड है. और आपका बोर्ड से स्टार्ट होता है यहां से. आपका बोर्ड स्ट्रक्चर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट होता है कहां से? एम्पियर्स लॉ से. ठीक है? तो इस तरीके से हम चीजों को थोड़ा सा समझ सकते हैं कि कैसे चैप्टर हमारा रिलेटेड है, चैप्टर कैसे डिजाइन होता है, ये चीज हम थोड़ा सा देख सकते हैं. डन. हाँ. ओके तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार बोर्ड्स की बुक में से आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें हमारे एचएससी में हैं, और वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे. ओके देखें, सब सुनेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट. ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. क्लियर है? ये चैप्टर है, देखें क्या क्या है. इंट्रोडक्शन तो है, ठीक है. थोड़ा सा ये है जो मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग. याद है किसने किया मैग्नेटिक इफेक्ट का? ओरस्टेड. वेरी गुड. तो यहाँ पर ओरस्टेड का ही डिटेलिंग दिया हुआ है कि कैसे कैसे उसने थोड़ा सा सिर्फ करंट के लॉजिक्स बताए. क्लियर है? हाँ. अच्छा ओके. अभी आपके में क्या आ गया है? सीधे फोर्स. सो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. तो अभी बोर्ड्स की बुक में से ये किसी को नहीं पढ़ना है फोर्स के बारे में, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा. ठीक, आगे देखते हैं. अभी फोर्स के बारे में ये है, तो अभी ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो आपका यहां से स्टार्ट होता है जो हमने सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. क्लियर?
तो इससे पहले का जो चीजें है वो हम एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स वाले में। अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से बायो सेवर्ट लॉ से, ठीक है। तो बायो सेवर्ट लॉ हमने पढ़ लिया है, हमने सारे वेक्टर फॉर्मेट भी पढ़ा है और ये भी सारी चीजें यार याद रखना है केयरफुल थोड़ा सा। फिर करंट ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर मतलब समझ जाना है क्या, इनफाइनाइट, ठीक है। सो इनफाइनाइट का है, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर डेरिवेशन भी है तो आप एक बार डेरिवेशन देख लेंगे। हम लोग डेरिवेशन ऑलरेडी करंट में कर चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं एक बार डेरिवेशन बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर से एक बार बोर्ड्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए सेमी इनफाइनाइट का और इनफाइनाइट का, याद रखना है। फिर से ये फोर्स आ गया, फोर्स हम ये फोर्स वाला सेक्शन पढ़ेंगे ही अभी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर आर्क, ये भी हमने पढ़ लिया है, क्लियर है। ये कैसे डिराइव किया था, ये मैंने सैंपल आपको बताया हुआ था कैसे रेडियल वेक्टर हमेशा 90 डिग्री रहेगा और सारी चीजें, तो मैंने बताया था कि डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बट मैंने इरेज कर दिया था क्योंकि नीड नहीं थी बहुत ज्यादा, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना चाहिए था, तो हमने फॉर्मूला याद रखा। सर्कल में किसी को कोई टेंशन, सब याद है ना फॉर्मूले सारे, ठीक है। बोर्ड्स के लिए एक बार हम डेरिवेशन फिर से देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, प्रॉपर पूरे डेरिवेशन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ओके। फिर ये एग्जांपल्स काफी इस टाइप के हमने कर लिए हैं, कोई टेंशन किसी को इस टाइप के एग्जांपल्स में? नो सर। ओके ओके, नेक्स्ट एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रूप, मतलब समझ गए रिंग के एक्सिस में। बट एक चीज याद रखो यार, बोर्ड्स में बोर्ड्स जैसे का ही फिगर बनाना है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा बनाया था इसलिए मैंने ऐसे ही आपको सॉल्व करके सिखाया। आपके बोर्ड्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा बनाता है लेकिन पता नहीं मैग्नेटिज्म में उसको ऐसे फिगर बनाना है, तो आप लोग भी ऐसे ही फिगर बनाएंगे। फिर आता है डेरिवेशन, डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है पूरी चीजें, कॉस थीटा की वैल्यूज कैसे लिखनी है सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है मैंने, तो एक बार डेरिवेशन भी देख सकते हैं। मैग्नेटिक लाइंस फॉर अ सर्कुलर लूप, ये जस्ट अभी मैंने समझाया, पता नहीं आपके बुक का क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्टिकल बनाया था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया रिंग। वर्टिकल रिंग में भी जस्ट मैंने समझाए थे सारे फील्ड्स, याद आ रहा है सबको? हाँ। ओके, तो देख लें बिल्कुल वही फिगर है और उसका फॉर्मूला, एक रिंग के लिए कैसे फॉर्मूला रहेगा, तो रिंग के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। ओके, फिर अभी इसमें काफी सारे बीच बीच में फोर्स के सिनेरियो हैं, वो भी हम करेंगे ही, ठीक। तो ज्यादा सोलेनॉइड वगैरह आपको नहीं देखो सिखाया, आपको सिर्फ था वायर रिंग की एक्सिस और सर्कुलर लूप, तीन ही थे बोर्ड्स में। बट अब आएगा एम्पियर लॉ, तो ये गॉस टाइप का लॉ है, इन एंड आउट पे डिपेंड करता है पूरा कि इन कौन है आउट कौन है उसके अकॉर्डिंग। और यूजिंग गॉस लॉ आपसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज अब आपसे पूछेगा, तो यूजिंग गॉस लॉ हमें सारी डिटेल, सॉरी यूजिंग एम्पियर्स लॉ हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें फाइंड करेंगे, लाइक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का कैसे निकालना है। दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ओके टोरॉइड में एक आ रहा है, ठीक है। तो वो चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारे एग्जांपल अभी हम यूजिंग ये करेंगे। फिर देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे यूजिंग एम्पियर लॉ, सो वो सारी चीजें हम बताएंगे। टोरॉइड को कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग एम्पियर लॉ, तो वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे
बोर्ड्स के सिलेबस में था। तो बोर्ड्स के सिलेबस में जो आपका चैप्टर है वो टू पार्ट में है, एक फोर्स वाला है और एक फील्ड वाला है। फील्ड वाला ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट हम फोर्स वाला चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद हम बोर्ड्स का भी एक बार रिव्यू कर लेंगे और आप लोग भी एक बार बोर्ड्स का बुक रीड कर लेंगे। ओके, सो ओके, तो देख लेते हैं, टॉरॉइड हमारा हो गया है। टॉरॉइड में ज्यादा कोई टेंशन नहीं, हमने सारे फॉर्मूले जेई के पर्सपेक्टिव से, नीट के पर्सपेक्टिव से याद कर लेने हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड काम आएगा। अब हम आते हैं अपने लॉ पे, जिस लॉ पे बेस्ड हमें काफी सारा डिस्कशन करना है। तो लॉ के बारे में हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या है समझे? पहले तो हमें गॉस लॉ के टाइप में इसमें स्टेटमेंट देखना रहेगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो हमें पता था बी डॉट डी एल मतलब द लेंथ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल, द क्लोज लेंथ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द इनसाइड करंट, द करंट इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड ओके। तो इसका मतलब ये है, एम्पियर्स लॉ समझाना क्या चाहता है? एम्पियर्स लॉ ये समझाना चाहता है दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, अब देखो डी एल वैक्टर है, बताया था ना डी एल एक वैक्टर है, बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इन इनक्लोज, ठीक है, इन साइड जो है वो। अब पॉइंट ये कि इसे यूज कैसे करना है और क्या क्या इसका मतलब है। अच्छा यार, गॉस में आपको याद था जैसे गॉस लॉ में चार्ज रख के हमने क्लोज लूप इनक्लोज किए थे, वैसे यहाँ पर हम कर सकते हैं वायर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वायर्स बना सकते हैं। जैसे एक वायर अप है, एक वायर डाउन है, और लेट्स से ये रैंडम वायर है, एक ये रैंडम वायर है, और इन सब में करंट्स हैं कुछ। तो लेट्स से आई वन करंट, आई टू करंट, आई थ्री करंट, आई फोर करंट, डन। बट हमने एक क्लोज लूप लिया है जो कि सिर्फ इन तीन करंट्स को सर्किल करेगा, ये वाला क्लोज लूप, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गा, जो मैंने गॉस लॉ में भी आपको बताया था कि ये जो इंटीग्रल वी डॉट डी एल है, सॉल्व कैसे करना है ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहली बात तो ये समझ लेना है कि इस फॉर्मूले में ये जो बी होता है, ये आपको पता होना चाहिए ड्यू टू ऑल वायर्स होता है, क्लियर, मतलब ड्यू टू आई वन, आई टू, आई थ्री एंड आई फोर, ये याद है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैंने बताया था कि चार्जेस क्लोज लूप से चाहे बाहर हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबके वजह से होती है इस क्लोज लूप में। सिर्फ होता क्या है कि यहाँ से एंटर मारता है और यहाँ से आउट हो जाता है, तो कैंसिल हो जाती है। बट अगर मैं पूछूं कि लूप में कैलकुलेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा, बस कैंसिल हो जाने वाला है। बट ये जो म्यू इनसाइड है, ये टोटली होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, करंट इंक्लूज्ड, सो ओनली इनसाइड करंट। मतलब कौन सी वायर्स? आई वन, आई टू फॉर दिस एग्जांपल एंड आई थ्री। इसमें किसी को कोई डाउट?
ये क्वेश्चन बन जाता है पूरा एक, मैंने गॉस में भी बताया था कि थोड़ा सा ध्यान देना है कि बी एग्जैक्टली क्या है, आई क्या है, इसमें किसी को कोई डाउट बताए? ओके अच्छा अब समझना है यार, अब समझना है कि हम करने क्या वाले हैं। हम इससे कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। अच्छा हमें पता है कि एक वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आने वाली है, क्लॉकवाइज। अगर ये वायर अप है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, एक लूप में आएगी, डन। अच्छा यहाँ पे जो डीएल वेक्टर की बात हो रही है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, डीएल क्या चीज है? डीएल ये लेंथ है ना, डीएल इसकी लेंथ है, ये जो लूप में हम करंट देख रहे हैं इस लेंथ को हम डीएल बोल रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन ये है कि बी डॉट डीएल का साइन क्या लेंगे हम, ये जो बी डॉट डीएल है इसका साइन क्या लेंगे। डीएल को तो हमेशा बी के अलोंग ही लेंगे, ठीक है, तो वो टेंशन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर बी डॉट डीएल को समझाना चाहता हूँ आप लोग को कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल अगर हमें कैलकुलेट करना है कभी, तो वो हो जाता है क्या, बी डीएल इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेट, ठीक। तो इस तरीके से चूज करना होता है कि इधर कॉस थीटा वन हो जाए या फिर जीरो हो जाए। सो मतलब इधर जीरो डिग्री चूज करो या फिर 90 डिग्री चूज करो, बेस्ट रहता है। सो थीटा थीटा शुड बी प्रेफर्ड जीरो, 90 एंड 180 डिग्री। यूजुअली हमें इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि थीटा ये रहे। इसका मतलब ये है, सपोज आपसे ये वायर पूछा है तो आप लूप ऐसा मत बना लो, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे सर्कुलर है ना। सो अगर लूप आप कोई रैंडम सा ले लोगे तो ये थीटा बार बार बदलेगा ना, मतलब टफ हो जाएगा आपके लिए। तो लूप आप ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही कंसिडर करो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑलवेज ऑलवेज एज्यूम द लूप ईदर अलोंग बी और परपेंडिकुलर। ओके तो ये चीज कहां से आई है, ये चीज इस वाले से आई है कि इधर अलोंग लो या फिर परपेंडिकुलर लो बी को, तो डीएल वेक्टर को, किसको, ऑलवेज अज्यूम द लूप, लूप मतलब डीएल जो हमारा देने वाला है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल। सो ये हमेशा हमें ट्राई करना है कि बी के अलोंग ही लेना है, बी के अलोंग लेंगे तो हमें कॉस थीटा की कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो बी डॉट डीएल में किसी को कोई डाउट है, बी डॉट डीएल कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने गॉस लॉ में सॉल्व किया था, हमने बताया था कि लूप फिक्स होना चाहिए, लाइक अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसे आने वाली, स्फेरिकल, तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए ऐसा। सो बेसिकली एम्पियर्स क्लोज लूप है। अगर वायर स्ट्रेट है, याद है चार्ज डेंसिटी ऐसे है, तो कैसे बताया था गॉसियन लूप कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल। सेम सिनेरियो यहाँ पर होगा, तो जब हम यूजिंग एम्पियर्स लॉ सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोस देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अभी एक पॉइंट ये है कि साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो साइन तो एकदम क्लियर है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या, इंटीग्रल बी डॉट डीएल। सोचो अगर मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज और आपने डीएल भी ले लिया क्लॉकवाइज, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्लियर। तो डिपेंड करेगा कि आप कैसे करना चाहते हो, जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अलोंग अगर डीएल मूव करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो डीएल के साइन स्ट्रेट है, बी एंड डीएल आर सेम
बोथ आर क्लॉकवाइज, अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो पॉजिटिव कर देंगे, अगर एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो अगर अपोजिट है सो क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका यूज आपको बताने वाला हूँ। सो जब इनका यूज हम देखेंगे कि यार कैसे यूज करना है, तो आप बहुत बेटर इसे यूज कर पाएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ जब हम सॉल्व करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से उसमें रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ये है कि ये साइन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बताता हूँ, बेटर रहेगा। सो दो मिनट का समय देंगे और एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा सीखने का ट्राई करेंगे। क्या यार, अगर आपको लूप चूज करना है, सोचो लूप आपको चूज करना है, तो आप हमेशा किसके अलोंग चूज करो, बी के अलोंग चूज करो। लेकिन अगर उन्होंने मतलब क्वेश्चन में चूज करके दे दिया है तो फिर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेट से मैं कुछ इस टाइप का एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखें। लेट से सारे वायर्स में करंट है, एक आई वन है, इसमें आई टू है, इसमें आई थ्री है, और ये आई थ्री ही ऊपर जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो अभी लेट से क्वेश्चन में दे दिए लूप्स, लूप्स ऐसे बना के दे दिए क्वेश्चन में, तो क्या होगा, तो फिर आपको वैसा ही कंसिडर करना पड़ेगा जैसा एग्जाम में दे दिया होगा। तो लेट से मैंने ये दो लूप दे दिए आपको क्लॉकवाइज, और ये दो लूप दे दिए एंटी क्लॉकवाइज, डन। तो ये हो गया, लेट से मैं फिर से लिख रहा हूं, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फोर लूप हमें यहां पर दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। राइट एम्पियर्स लॉ फॉर ऑल फोर लूप्स, डन। लेट्स से हमें एम्पियर्स लॉ लिखना है, या लेट्स से मैं लिख के दे देता हूं, तो आपको चेक करके बताना है कि विच इज करेक्ट और नॉट। सो मैं यहाँ पे कुछ लॉज लिख देता हूँ, आप चेक करके बताएंगे कि करेक्ट लिखा है या नहीं। सो देखे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू आई, इंटीग्रल बी डॉट डी एल लूप वाइज है, ये क्लोज लूप वन है, ये क्लोज लूप टू है, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया है, तो ये मैं कुछ केसेस लिख रहा हूँ, आपको चेक करके बताना है कि कौन सा केसेस मैं सही लिख रहा हूँ, कौन सा केसेस हम गलत लिख रहे हैं। पहला चेक करें तब तक, जब तक मैं बाकी सारे केसेस लिख देता हूँ। ओके, सो अभी ट्राई करें आप लोग, ये चीजें देख लें। चलो, तो लेट्स से इस टाइप पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, ये मैं एकदम पूरा डिटेल समझाना चाह रहा हूं आपको कि एम्पियर्स लॉ एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आपके लिए, कैसे एग्जैक्टली आपको समझना है, देखते हैं। चलो फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस बताओ, फर्स्ट केस की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। सो देखें केस वन, मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, आप समझेंगे, ठीक है। हमें पता है करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, और उसके अकॉर्डिंग हमें लूप चेक करना है। सो मैं लिखता हूँ आई के अकॉर्डिंग ड्यू टू आई वन, बी वन कैसा होगा, सब लोग देखे थंब अपवर्ड, कैसा होना चाहिए लूप, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, और हमारा डीएल वेक्टर भी कैसा है,
एंटी क्लॉकवाइज गुड. सो इसका मतलब बताओ ये वेक्टर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा. गुड पॉजिटिव. ओके सो मतलब पहला वाला केस क्या है? सही है. सही. ओके बी डॉट डीएल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. म्यू नॉट इन टू आई पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव बिल्कुल सही. बहुत ही बढ़िया. सो अब सेकेंड केस चल लेते हैं. चलो सेकेंड केस में अभी सेकेंड केस में बताओ कि पहले वाले करंट के वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा दूसरे वाले वायर की वजह से कैसा होगा? क्लॉकवाइज. क्लियर? हाँ. अच्छा तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा करने की वजह से हमें क्या होता है, हमें आ जाती है प्रॉब्लम. जैसा हम सोच रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को स्प्लिट करके लिख देते हैं, ऐसे में हमें आ जाती है प्रॉब्लम. ठीक है तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बी डिसाइड करके देख लेते हैं कि करंट सपोर्टिंग है या नहीं है. क्लियर? तो मैं यहाँ पे एक रूल लिख देता हूँ आपके लिए कि टेंशन नहीं लेना है, आप एक बी डिसाइड कर दो एंड उसके अकॉर्डिंग करंट का साइन डिसाइड करो. तो ये केस वन मैं यहाँ से इरेज करता हूँ. इस मेथड से थोड़ा सा हमें सॉल्विंग में टफ जाएगा ये चीज. तो इसके लिए पहले हम एक सेट बना लेते हैं. जैसा मैंने अभी आइडिया बताया कि यार मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट की वजह से डिफरेंट डिफरेंट होगी, वो चेक करना थोड़ा सा टफ होगा हमारे लिए. उसकी जगह रूल बना लेते हैं क्या. एज्यूम अ फिक्स्ड बी. ठीक है सो लेट्स से क्या एज्यूम कर लिया जाए बताओ. ओके लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूं बी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज. सो एज्यूम अ फिक्स्ड बी लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज. देन करंट कैसे होने चाहिए? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट क्या होनी चाहिए? करंट इज अपवर्ड. अपवर्ड. करंट इज अपवर्ड. अपवर्ड. सो फॉर दिस फिक्स्ड बी, फॉर दिस फिक्स्ड बी क्या सिनेरियो होना चाहिए? फॉर दिस फिक्स्ड बी अगर करंट अपवर्ड है तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. क्लियर? और अगर करंट डाउनवर्ड है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट नेगेटिव. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक टाइप का बी फिक्स कर लिया. क्यों? क्योंकि जब बी अननोन है, करंट नोन है, तो बी नहीं, हम बी वन बी टू नहीं कर सकते ना. सो हमें क्या चेक करनी पड़ेगी? करंट चेक करनी पड़ेगी बार बार. सो बेस्ट मेथड क्या रहेगा? ये जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया क्या, कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल ठीक है, बट बी कुछ एज्यूम कर लो कि लेट्स से बी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है. और एंटी क्लॉकवाइज के लिए थंब क्या होगा? अपवर्ड. मतलब इस फिक्स वैल्यू के लिए अगर हम बात करें तो बी की वैल्यू क्या होगी? करंट अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव बोल देंगे, करंट अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव बोल देंगे. तो इसका मतलब चले अब इस तरीके से केस वन को बहुत ही जल्दी से ट्रीट करेंगे, बहुत ही जल्दी सारे केसेस अब हम लिख लेंगे. देखें केस वन, बी हमने फिक्स कर रखा है. बी कैसा है? बी कैसा एज्यूम किया हमने? एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा तो आई वन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. अरे पॉजिटिव ऊपर है ना आई वन, पॉजिटिव. अरे हमने इसलिए एंटी क्लॉकवाइज चूज किया जिससे हमें ये बेसिक टेंडेंसी है ना अपवर्ड को पॉजिटिव लेना और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना. सो हमारी बेसिक टेंडेंसी के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि ये हो. डन. अच्छा इंटीग्रल बी डॉट डीएल बताओ क्या होगा अगर एंटी क्लॉकवाइज है बी, वो कैसा होगा? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो चेक करके बताओ पहला करेक्ट है कि नहीं. ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है. डन. ओके चले जल्दी से अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के सेकंड केस चेक कर लेते हैं. ठीक है
सेकंड केस देखे केस टू, चले बी को हमने क्या माना एंटी क्लॉकवाइज, डन। सो आई वन कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। आई टू कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इंटीग्रल बी डॉट डीएल कैसा होगा? दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, डीएल भी एंटी क्लॉकवाइज है, बी भी एंटी क्लॉकवाइज है, positive. क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। चाहिए तो यहाँ पे लिख लो यार, यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज डीएल वेक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये हुआ, तो बताओ केस टू सही है या नहीं है? नहीं नहीं सही। कंफर्म सबको समझ आ गया? ओके गुड, चले नेक्स्ट केस थर्ड देखते हैं। बी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। आई वन क्या होगा? पॉजिटिव। आई टू नेगेटिव। आई थ्री पॉजिटिव। पॉजिटिव। आई थ्री पॉजिटिव। और डीएल वेक्टर कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सो इंटीग्रल बी डॉट डीएल कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड यार, वेरी गुड। नेगेटिव। चलो अब देख लेते हैं। सो ये हमारा होना चाहिए नेगेटिव, और आई वन और आई थ्री होना चाहिए पॉजिटिव। क्लियर? बट अगर मैं नेगेटिव का मल्टीप्लाई भी कर दूं, नेगेटिव का मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। एक सेकंड, आई टू और आई थ्री का साइन सेम है ना? सर आई थ्री नेगेटिव होगा। आई थ्री नेगेटिव होगा। ओके आई थ्री नेगेटिव होगा। अच्छा तो अभी देख के बताओ यार कि एक माइनस यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, बट क्या रहने वाला है? यहाँ पर रहने वाला है आई वन पॉजिटिव होगा और ये दोनों नेगेटिव होंगे, बट इस माइनस को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना। तो देखें थर्ड वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस का आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री। क्लियर? बट माइनस से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई विद माइनस। ओके सो नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट माइनस का आई वन प्लस का आई टू एंड प्लस का आई थ्री। क्लियर? तो इसका मतलब थर्ड वाला क्या है, करेक्ट। अच्छा फोर्थ वाला देख के बताओ। फोर्थ वाले में एक गड़बड़ है यार, ये करंट जा रही है इनवर्ड और ये करंट जा रही है आउटवर्ड। सो बेसिकली आई थ्री क्या होने वाला है, कैंसिल हो जाने वाला है। सो ये तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि गलत है। डन। तो यार ये आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये आपको यार रिवाइज करना है, जिसमें हमने ये अजम्पशन और डायरेक्शंस बताई हैं कि यार कैसे अपना डीएल फिक्स करना है, और अगर डीएल गिवन है तो फिर कैसे चेंजेस करने हैं। क्लियर है सबको? ये सेक्शन अच्छे से देख लेना है, अगर डीएल चूज करना है तो क्या है, अगर गिवन है तो फिर बी को फिक्स करके करंट को चूज करना है। ओके चले तर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स पे बातें करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, यूजिंग दिस लॉ हम ट्राई करेंगे डिफरेंट फॉर्मूलाज फाइंड करने का। ओके चले यार आज के लिए फिर काफी। ओके गुड बाय एवरीवन, देन बाय बाय सर, बाय बाय सर।